हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ 14 जनवरी इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, टीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज विरूंगा नेशनल पार्क। हम जानेंगे विरूंगा नेशनल पार्क के बारे में। सिक्स रेंजर हैव बीन किल्ड इन द विरूंगा नेशनल पार्क इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। जो सिक्स रेंजर है उनको किल कर दिया गया विरूंगा नेशनल पार्क में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पे। तो विरूंगा नेशनल पार्क का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ लोकेटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। विरूंगा नेशनल पार्क स्ट्रेच फ्रॉम विरूंगा माउंटेन इन द साउथ टू डेवेंजोरी माउंटेन इन द नॉर्थ। जो विरूंगा नेशनल पार्क है वो स्ट्रेच करता है विरूंगा माउंटेन जो कि साउथ में है वहां से लेकर रेवेंजोरी माउंटेन जो कि नॉर्थ में है वहां तक फैला हुआ है। इट बॉर्डर्स वॉल्केनो नेशनल पार्क इन रवांडा एंड रेवेंजोरी माउंटेन नेशनल पार्क एंड क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क इन युगांडा। ये जो है बॉर्डर करता है वॉल्केनो नेशनल पार्क जो कि रवांडा पे है और रेवेंजोरी माउंटेन नेशनल पार्क और क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क जो कि युगांडा में है। एस्टेब्लिश इन 1925 इट इज अफ्रीका फर्स्ट नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर इज माउंटेन गोरिलाज। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1925 में। ये अफ्रीका का पहला नेशनल पार्क है जो कि फेमस है माउंटेन गोरिलाज के लिए। इट इज अ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1979। ये यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1979 से। ये आप देख सकते हैं इसका लोकेशन विरूंगा नेशनल पार्क का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो हम जानेंगे जो नेशनल मिशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के बारे में। द मिशन विल फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ये फंक्शन कर रहा है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इट विल एबल टू एड्रेस द इवर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड टेक इन टू अकाउंट द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रेंड। ये जो है वो एड्रेस करेगा जो एवर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है सोसाइटी का उसको और साथ साथ कंसीडर करेगा जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है। कमीशन विल हेल्प प्रिपेयर नेक्स्ट जनरेशन स्किल मैन पावर बूस्ट ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड ऑल्सो इंकरेज इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ये जो मिशन है वो मदद करेगा प्रिपेयर करने में नेक्स्ट जनरेशन स्किल मैन पावर को, बूस्ट करेगा ट्रांसलेशनल रिसर्च को और इंकरेज करेगा इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में। इन लास्ट ईयर बजट सेशन इट वॉज प्रपोज दैट ₹8,000 crore बी सेट असाइड टू डेवलप क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर के बजट सेशन में ये प्रपोज किया गया था कि 8,000 crore को अलग से रखा जाएगा डेवलप करने के लिए क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नाउ रेडी एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ दिस मिशन माइट गेट अप्रूवल। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो चुका है और नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में इस मिशन को अप्रूवल भी मिल जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो इनिशिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड क्वेस्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी एंड एंगेज विद द रिसर्चर। रिकॉग्नाइज करते हुए जो इंपॉर्टेंस है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनिशिएट किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है क्वेस्ट, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके जो पॉसिबिलिटी है और एंगेज कर सके रिसर्चर्स के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बजट 2020 पे अनाउंस किया गया था ₹8,000 crore नेक्स्ट 5 ईयर के लिए नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन के लिए। जो एरिया ऑफ फोकस है NMQTA मिशन का वो फंडामेंटल साइंस ट्रांसलेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ये एड्रेस करेगा इश्यू जो कि कंसर्न करता है नेशनल प्रायोरिटीज को। ये जो मिशन है वो मदद करेगा प्रिपेयर करने में नेक्स्ट जनरेशन स्किल मैन पावर को, बूस्ट करेगा ट्रांसलेशनल रिसर्च को और इनकरेज करेगा इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट को। क्वांटम प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जा रहा है इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के लिए एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, कंप्यूटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग और मैकेनिक्स के फील्ड में। ये जो एप्लीकेशन है वो बूस्ट करेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग को, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन को, साइमल्टेनियस सिक्योरिंग एंड कम्युनिकेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, साइबर सिक्योरिटी को, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को। ये जो है इंडिया को लिस्ट में ला देगा फ्यू कंट्रीज के बीच में जिसके पास इमर्जिंग फील्ड है, ग्रेटर एडवांटेज है गार्नर करने के लिए मल्टीफोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और डोमिनेंट लीडरशिप रोल पे। जरूरत क्यों पड़ा हमको क्वांटम टेक्नोलॉजी का? क्वांटम टेक्नोलॉजी आर रैपिडली डेवलपिंग ग्लोबली विथ ह्यूजली डिसरप्टिव पोटेंशियल। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली डेवलप कर रहा है ग्लोबली और इसका बहुत ज्यादा डिसरप्टिव पोटेंशियल है। द रेंज ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन दैट विल चेंज द इंटायर पैराडिग्म ऑफ कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन एंड इंक्रिप्शन। जो रेंज है क्वांटम टेक्नोलॉजी का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मेजर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है जो कि चेंज कर देगा पूरा ही पैराडिग्म जो है कंप्यूटेशन का, कम्युनिकेशन का और इंक्रिप्शन का। इट इज परसीव्ड दैट द कंट्रीज हु अचीव एन एज इन दिस इमर्जिंग फील्ड विल हैव अ ग्रेटर एडवांटेज इन गार्नरिंग मल्टीफोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डोमिनेंट लीडरशिप रोल। ये परसीव किया जा रहा है कि जो कंट्री है जो कि अचीव करेगा एक एज
इमर्जिंग फील्ड में उसको ग्रेटर एडवांटेज मिलेगा गार्निर करने में मल्टीफोल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पे और डोमिनेंट लीडरशिप रोल पे। इट हैज बिकम इम्परेटिव बोथ फॉर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू बी प्रिपेयर टू डेवलप दिस इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव चेंजेस। ये जो है ये इम्परेटिव बन गया है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों के लिए ही कि वो प्रिपेयर करे डेवलप करे इस इमर्जिंग और डिसरप्टिव चेंजेस को। इट विल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू बी अप्लाइड टू ऑल रिसर्च एंड हेल्प स्टिमुलेट अ पाइपलाइन टू सपोर्ट रिसर्च एंड एप्लीकेशन वेल इन टू द फ्यूचर। ये जो है वो एस्टेब्लिश करेगा कि स्टैंडर्ड जो कि अप्लाइड होगा सारे रिसर्च पे और मदद करेगा स्टिमुलेट करने में, एक पाइपलाइन सपोर्ट करेगा जो कि रिसर्च को एप्लीकेशन को फ्यूचर पे। रिसेंट एप्लीकेशन जहां पर यूज हुआ है इसका, रिसेंटली DRDO has successfully demonstrated communication between its two lab using quantum key distribution technology। अभी हाल ही में DRDO ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने कम्युनिकेशन को दो लैब के बीच में यूजिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की मदद से। इन जून 2020 चाइना डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग दिस सैटेलाइट मिसियस बाई कंडक्टिंग अ सीक्रेट कॉन्फ्रेंस बिटवीन द टू ग्राउंड स्टेशन अबाउट 1120 किलोमीटर अपार्ट। जून 2020 में चाइना ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने सैटेलाइट मिसियस का कंडक्ट किया था एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस दो ग्राउंड स्टेशन के बीच में जो कि 1120 किलोमीटर अपार्ट थे। दे यूज द सैटेलाइट नॉट टू ट्रांसमिट द इंटायर कम्युनिकेशन बस टू साइमल्टेनियसली सेंड अ पेयर ऑफ सीक्रेट की टू द ग्राउंड स्टेशन। वो यूज कर रहे सैटेलाइट को सिर्फ ट्रांसमिट नहीं किया था उन्होंने इंटायर कम्युनिकेशन को, बल्कि क्या किया था साइमल्टेनियसली उन्होंने सेंड किया था एक पेयर ऑफ सीक्रेट की को ग्राउंड स्टेशन पे। अदर पोटेंशियल एप्लीकेशन इंक्लूड सिक्योर कम्युनिकेशन, फास्ट कंप्यूटर दैट इस्टेब्लिश क्वांटम सुप्रीमेसी, सेंसर एंड क्वांटम इंस्पायर डिवाइसेज। जो अदर पोटेंशियल एप्लीकेशन का है वो इंक्लूड करता है सिक्योर कम्युनिकेशन को, फास्ट कंप्यूटर को जो कि इस्टेब्लिश करेगा क्वांटम सुप्रीमेसी को, सेंसर को और क्वांटम इंस्पायर डिवाइसेज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो हम जानेंगे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में सब कुछ। द स्कीम वॉज फर्स्ट अनाउंस इन जून लास्ट ईयर टू इनकरेज फिनटेक कंपनी एंड बैंक टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन ऑफ कार्ड बेस्ड एंड अदर डिजिटल पेमेंट। जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है इसको अनाउंस किया गया था जून में लास्ट ईयर पे ताकि इनकरेज किया जा सके फिनटेक कंपनी और बैंक को ताकि वो डिप्लॉय करें पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे कंट्री में, जिससे कि इम्प्रूव किया जा सकेगा पेनेट्रेशन कार्ड बेस्ड सिस्टम का और अदर डिजिटल पेमेंट का इम्प्रूवमेंट किया जा सकेगा। द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल बी मर्चेंट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटेबिलिटी, गवर्नमेंट पेमेंट, फ्यूल पंप, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड ग्रोसरीज। जो प्राइमरी बेनिफिशियरीज होंगे इसके वो मर्चेंट होंगे जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं एसेंशियल सर्विस जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, गवर्नमेंट पेमेंट हो गया, फ्यूल पंप हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया, ग्रोसरीज हो गया। एमिड द रैपिड राइज इन वॉल्यूम ऑफ पेमेंट थ्रू द UPI नेटवर्क, द RBI इज टेकिंग स्टेप टू फर्दर वाइडन द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री। जो बहुत ज्यादा राइज हो रहा है पेमेंट का UPI नेटवर्क में, RBI जो है वो स्टेप ले रहा है कि और ज्यादा वाइडन किया जा सके जो यूज है डिजिटल पेमेंट का इस कंट्री पे। द फंड विल बी ऑपरेशनल फॉर 3 years फ्रॉम January 1, 2021 एंड विल हेल्प सब्सिडाइज बैंक एंड नॉन बैंक फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट सब्जेक्ट टू देम अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट। ये जो फंड है वो ऑपरेशनल होगा 3 साल के लिए January 1, 2021 से और ये सब्सिडाइज करेगा बैंक और नॉन बैंक को उनके डिप्लॉयमेंट के लिए पेमेंट के। ये सब्जेक्ट है कि अगर वो अचीव करेंगे स्पेसिफिक टारगेट को देन ओनली। जरूरत क्यों पड़ा, तो ओवर द ईयर द पेमेंट इकोसिस्टम इन द कंट्री हैज इवॉल्व विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन सच एज बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन, कार्ड एक्सेट्रा। हाल फिलहाल के सालों में क्या हुआ है, जो पेमेंट इकोसिस्टम है कंट्री का वो इवॉल्व किया है काफी, बहुत सारे ऑप्शन आए हैं जैसे कि बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन, कार्ड एक्सेट्रा का। टू प्रोवाइड फर्दर फिलिप टू द डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम इट इज नेसेसरी टू गिव इम्पेटस टू एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री मोर सो अंडर सर्व एरिया। और ज्यादा फिलिप देने के लिए डिजिटाइजेशन को पेमेंट सिस्टम के फील्ड में, ये जरूरी है कि हम एक इम्पेटस दे, बूस्ट दे, एक्सेप्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे कंट्री पे जो अंडर सर्व एरिया है वहां पे, ताकि इसको एक बूस्ट मिल सके। न्यूज में क्यों आया, द RBI हैज अनाउंस ऑपरेशनल गाइडलाइंस टू क्रिएट डिजिटल पेमेंट एक्सेप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस Tier 3 to Tier 6 रीजन इन इंडिया। RBI ने अनाउंस किया ऑपरेशनल गाइडलाइन ताकि क्रिएट किया जा सके डिजिटल पेमेंट एक्सेप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस Tier 3 से Tier 6 रीजन में इंडिया पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुकुंदपुरा CM2। हम जानेंगे मुकुंदपुरा CM2 के बारे में। द मीटोराइट नेम मुकुंदपुरा CM2 वॉज क्लासिफाइड टू बी ए कार्बोनेशियस क्रोनटाइट। जो मीटोराइट जिसका नाम है मुकुंदपुरा CM2 उसको क्लासिफाई किया गया कि ये जो है कार्बोनेशियस क्रोनटाइट है। दिस इज ए टाइप ऑफ स्टोनी मीटोराइट कंसिडर द मोस्ट प्रिमिटिव मीटोराइट एंड ए रेमनेंट ऑफ द फर्स्ट सॉलिड बॉडी टू एक्रीट इन दिस सोलर सिस्टम।
ये जो टाइप ऑफ मेटोराइट है वो एक स्टोनी मेटोराइट है, कंसीडर किया जा रहा है कि सबसे प्रिमिटिव मेटोराइट है और रेमिनेंट है पहला सॉलिड बॉडी का जो कि एक्रिएट किया गया था सोलर सिस्टम पे। द कम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस क्रोनडाइट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस सन, और जो कम्पोजिशन है कार्बोनेशियस क्रोनडाइट का वो सिमिलर है सन के जैसा है। क्रोनडाइट आर सिलिकेट ड्रॉपलेट बियरिंग मेटोराइट एंड दिस मुकुंदपुरा क्रोनडाइट इज द फिफ्थ कार्बोनेशियस मेटोराइट नॉन टू फॉल इन इंडिया। जो क्रोनडाइट होता है वो सिलिकेट ड्रॉपलेट होता है जो कि बियर करता है मेटोराइट को, और ये जो मुकुंदपुरा क्रोनडाइट है वो पांचवा कार्बोनेशियस मेटोराइट है जो कि फॉल किया है इंडिया पे। एन एस्ट्रॉइड विच मेड इट लैंडफॉल इन मुकुंदपुरा विलेज नियर जयपुर हैज बीन नेम्ड आफ्टर दिस सेम विलेज एंड इज अंडर द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। जो एस्ट्रॉइड जो कि गिरा था मुकुंदपुरा विलेज नियर जयपुर पे, उसका नाम सेम विलेज के नाम पे रखा गया है और वो जो है अभी स्टडी किया जा रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टीम के द्वारा कोलकाता के। वाई इज इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी मिटोरॉइड, क्यों ये इम्पोर्टेंट है स्टडी करना मिटोरॉइड को। मिटोरॉइड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्टोरॉइड, जो मिटोरॉइड है वो रिप्रेजेंटेटिव है एस्टोरॉइड के। एस्टोरॉइड ऑल द रेमनेंट डेब्रिस ऑफ द इनर सोलर सिस्टम फॉर्मेशन प्रोसेस एंड डज ऑफर द फॉर्मेशन हिस्ट्री और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लेनेट। जो एस्टोरॉइड है वो रेमनेंट डेब्रिस है इनर सोलर सिस्टम के, जो कि फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं, फॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है प्लेनेट के। देयरफॉर बाय स्टडिंग मेटोरॉइड इन द लेबोरेटरी एंड एस्टेरॉइड बाय एक्सप्लोरेशन एंड सैंपल रिटर्न मिशन वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द एक्टिविटी ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम इवेंट। इसी कारण स्टडी करके मेटोरॉइड को लेबोरेटरी पे और एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करके और जो सैंपल रिटर्न आया है मिशन से उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने का जो एक्टिविटी है अर्ली सोलर सिस्टम इवेंट का उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। Also, asteroids are often rich in volatile and other minerals and can be exploited for further planetary exploration. और जो एस्टोरॉइड है वो रिच है काफी वॉलेटाइल है अदर मिनरल्स में भी, इसी कारण हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं फर्दर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए भी। डिटेल ऑफ इज स्टडी, जो हम डिटेल है इसके स्टडी के उसके बारे में जानेंगे। द स्टडी रिवील दैट मुकुंदपुरा सीएम टू हैज एक्सपीरियंस वेरिंग डिग्री ऑफ अल्टरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। जो स्टडी है वो रिपील कर रहा है कि जो मुकुंदपुरा सीएम टू है वो एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ज्यादा डिग्री अल्टरेशन का इम्पैक्ट के पहले। सम मिनरल लाइक फॉस्टाइल एंड एफियो अल्वाइन कैल्शियम अल्मीनियम रिच इंक्लूजन मिनरल स्केप अल्टरेशन। उस मिनरल है जैसे कि फॉस्टेराइट हो गया, एफियो अल्वाइन हो गया, कैल्शियम अल्मीनियम रिच इंक्लूजन मिनरल हो गया, ये सब स्केप कर गए थे अल्टरेशन से। फ्यू मैग्नेटाइट सल्फाइट एंड कैल्साइट वर ऑल्सो फाउंड, कुछ जो मैग्नेटाइट है सल्फाइट है और कैल्साइट है वो भी पाए गए हैं। डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी रिवील दैट द मेटोराइड हैड वेरी हाई अबाउट 90% फाइलोसिलिकेट मिनरल्स कंप्राइजिंग बोथ मैग्नीशियम एंड आयरन। जो डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है वो रिवील कर रहा है कि जो मेटोराइड है उसका काफी हाई फाइलोसिलिकेट मिनरल है जो कि कंप्राइज कर रहा है मैग्नीशियम और आयरन दोनों को। फर्दर एक्सरे स्टडी शोड इट ऑल्सो हैज अल्मीनियम कॉम्प्लेक्सेज, और जो इसका एक्सरे स्टडी किया गया वो शो कर रहा है कि इसमें अल्मीनियम कॉम्प्लेक्सेज भी है। रिलीवेंस टू एस्टोरॉइड, क्या रिलीवेंस है एस्टोरॉइड का। द रिजल्ट ऑफ मुकुंदपुरा सीएम टू स्टडी आर रिलीवेंट टू द सर्फेस कम्पोजिशन ऑफ नियर अर्थ एस्टोरॉइड राइगू एंड बेनू। जो रिजल्ट है मुकुंदपुरा सीएम टू का स्टडी का वो रिलीवेंट है जो सर्फेस कम्पोजिशन है नियर अर्थ एस्टोरॉइड राइगू और बेनू के, इसके बारे में काफी बताता है समझाता है। इन अक्टूबर 2020 नासा ओसारिस रेक्स मिशन कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम बेनू एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इन सेप्टेम्बर 2023। अक्टूबर 2020 पे जो नासा का ओसायरिस रेक्स मिशन था उसने कलेक्ट किया था सैंपल बेनू से और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रिटर्न कर लेके आएगा सैंपल सितंबर 2023 तक। लास्ट मंथ जापान हायाबुसा 2 मिशन लैंडेड ऑन अर्थ विद सैंपल फ्रॉम राइगू, और लास्ट मंथ जो जापान का हायाबुसा 2 मिशन था वो लैंड किया था अर्थ पे, सैंपल लेके आया था वो राइगू से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, तो हम जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों आया है क्या। The center has informed the Supreme Court about the 2017 rules under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 and said that there was a difference between seizure and confiscation of animal while responding to a petition. Center ne inform kiya Supreme Court ko jo unka 2017 ka rule tha usko leke Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 aur unhone bataya ki difference hai seizure aur confiscation of animal ko leke jab wo respond kar rahe the ek petition ka. The center response came after last week the court had asked it to amend the rule in the act pertaining to confiscation of animal before an accused is convicted under the legislation. सेंटर ने इसका रिस्पॉन्स आया जब लास्ट वीक कोर्ट ने पूछा कि वो अमेंड करे एक रूल को इस एक्ट का जो कि परटेन कर रहा है कॉन्फिस्केशन ऑफ एनिमल को लेके,
बिफोर किसी को एक्यूज को कन्विक्ट करने से पहले इस लेजिस्लेशन के अंतर्गत इश्यू क्या है, अपली वॉज फाइल बाई बुफेलो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द रूल दैट अलाउ अथॉरिटी टू सीज व्हीकल अंडर इन कैटल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेंड द एनिमल टू शेल्टर। द पिटिशनर पॉइंटेड आउट दैट द ट्रांसपोर्टर फार्मर एंड कैटल ट्रेडर वर बींग थ्रेटेंड सिंस द रूल वर नोटिफाइड। एक प्ली फाइल किया गया बुफेलो ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो कि चैलेंज कर रहा है वैलिडिटी को लेके जो रूल्स है जो कि अलाउ करता है अथॉरिटी को कि वो सीज कर सकते हैं व्हीकल्स को जो कि यूज करेगा कैटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सेंड कर सकता है एनिमल को शेल्टर पे। ये जो पिटीशन ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर है फार्मर्स और कैटल ट्रेडर्स है वो थ्रेटेंड है जब से ये रूल नोटिफाई किया गया है। सेंटर रिस्पॉन्स, सेंटर का रिस्पॉन्स क्या है, वाइल सीजर इज टेम्पोररी इन नेचर एंड मरली टेक पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी एंड इज सपोज टू बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज इन ए गिवन केस। जो सीजर है वो टेम्पोररी होता है नेचर पे जबकि पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन जो है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है ओनरशिप जो प्रॉपर्टी का है और वो कैरी किया जाता है फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ राइट के बाद पार्टीज के इन ए गिवन केस पे। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल 2017। जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल रूल 2017 है उसके अंतर्गत फ्रेम किया जाएगा रूल अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। द रूल अलो ए मजिस्ट्रेट टू फॉरफिट द कैटल ऑफ एन ओनर फेसिंग ट्रायल अंडर द एक्ट। ये जो रूल है वो अलो करता है मजिस्ट्रेट को कि वो फॉरफिट कर सकता है कैटल के ओनर को जो कि फेस करेंगे ट्रायल इस एक्ट के अंतर्गत। द एनिमल आर देन सेंड टू इन्फ्रीमेरिज एनिमल शेल्टर एक्सेट्रा। एनिमल को सेंड किया जाएगा इन्फ्रीमेरिज एनिमल शेल्टर पे तो अथॉरिटी कैन फर्दर गिव सच एनिमल फॉर एडॉप्शन और जो अथॉरिटी है वो दे सकते हैं वैसे एनिमल को एडॉप्शन के लिए भी। कंसर्न एक्सप्रेस बाई ट्रेडर, जो कंसर्न चिंता एक्सप्रेस किया गया ट्रेडर्स के द्वारा। द ट्रेडर्स हैव क्लेम दैट दे वर बीइंग फोर्सिबली डिप्राइव्ड ऑफ देयर कैटल विच इज सेंड टू गौशाला। जो ट्रेडर्स वो क्लेम कर रहे कि उनको फोर्सिबली डिप्राइव किया जा रहा है उनके कैटल से जिनको भेज दिया गया है गौशाला पे। दिस फ्रीक्वेंट लूटिंग आर ऑल्सो थ्रेटनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड जनरली इम्बोल्डरिंग ग्रुप्स ऑफ पर्सन टू टेक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड। ये जो फ्रीक्वेंटली लूटिंग किया जा रहा है थ्रेटन कर रहा है रूल ऑफ लॉ को और जनरली ये क्या है इम्बोल्डन कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं। Moreover, these incidents are acting as a trigger for communal polarization of society. और ये जो incident है वो act कर रहा है एक trigger के तौर पर communal polarize कर रहा है society की तरफ। Way ahead, आगे क्या रास्ता है? If not halted effectively and immediately, will have disastrous consequence on the social fabric of the country. अगर इसको halt नहीं किया गया effectively और immediately, तो इसका एक disastrous consequence हो सकता है social fabric के ऊपर society के। Prevention of cruelty to animal act 1960. तो हम जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के बारे में। सीक टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल। ये प्रिवेंट करता है इन्फ्लिक्शन जो अननेसेसरी पेन और सफरिंग किया जाता है एनिमल को उसको रोकता है। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1962 अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1962 पे अंडर सेक्शन 4 के इस एक्ट के। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर कॉजिंग अननेसेसरी क्रुएलिटी एंड सफरिंग टू एनिमल। द एक्ट डिफाइन एनिमल एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल। ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट अगर अननेसेसरी क्रुएलिटी व सफर कराया जाए एनिमल को उस देन। ये जो एक्ट है वो डिफाइन करता है एनिमल को और अलग अलग फॉर्म ऑफ एनिमल के बारे में बताता है। इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल फॉर साइंटिफिक पर्पजेज। और ये गाइडलाइंस बताता है जो कि रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर एनिमल्स के ऊपर साइंटिफिक पर्पज के लिए। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.